जन की आवाज सच्चाई के साथ। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कोटद्वार में लगातार अवैध अतिक्रमण अपने पांव पसार रहा था, जिसको हटाने के लिए प्रशासन बौना साबित हो रहा था। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर अपना डंडा चलाया और सुबह से ही जेसीबी मशीनों के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों व व्यापारियों के साथ प्रशासन की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नगर निगम प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की अपील की। इससे पहले नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए व्यापारियों व स्थानीय लोगों को तय समय पर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिसमें अधिकांश व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिससे आज नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप लोग अतिक्रमण हटा रहे हो, समझ आता है, वो जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने ऑलरेडी अपना घर तोड़वा चुका है, हमारा बस एक लास्ट लिंटर बचा था जिसकी कटिंग आज चल रही थी। इन्होंने खुद से बिजली का कनेक्शन हटाया, उसकी वजह से कटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। हमारे चार पिलर टिके हुए थे जो आज रात में हमने तोड़ देने थे, ठीक है। पूरा घर हमने अपना तोड़वा चुका था, लास्ट लिंटर बचा था। इन्होंने हमारे चारों पिलर तोड़ दिए, किसी के नहीं तोड़े उस लाइन में। जो वहाँ पे बाटा की एक शॉप है, वो हम लोगों ने रेंट पे दे रखी है, वहाँ पे उन्होंने चारों पिलर तोड़ दिए और किसी के नहीं टूटे हैं। वहाँ पे हम लोगों के तोड़ने की वजह से, चारों पिलर की वजह से जो लिंटर है हमारा पीछे जाके गिरा है, हमारे शटर टूट चुके हैं, हमारा ऊपर जाने का रास्ता बंद हो रखा है, प्लस हमारा बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ है। हमने ऑलरेडी पैसे लगाए, पहले लाखों रुपये लगा के उसको तोड़वाओ, ठीक है। अब तोड़ने के बाद भी आप लोगों ने उसको तोड़ चुका है, उसके बाद से फिर ये भी कहते हैं कि जिन हम तोड़वा रहे हैं उनसे हम पैसे भी लें, किस बात के। और ऊपर से ना इन्होंने वहाँ से साफ करा है कि बंदा अपना जाके रह सके, ऊपर जाके अपना काम कर सके। जो हम मजदूरों से काम कराए थे वो भी रुक रखा है, उसमें हमारे जितना नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा। उन्होंने नोटिस दिया, हमने काम कराया, हमने कोई गलती करी, लेकिन बाकियों का क्यों नहीं टूटा है। जिस पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने अतिक्रमण? हमारे 52 या 53 अतिक्रमण चिन्हित है, उसमें सबको आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया, सभी लोगों ने कमेंट किया और पूर्ण रूप से अपना अतिक्रमण हटा देंगे। जिस पर ध्वस्त किया जाना संभव इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि नहीं तो उनकी होल बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, जिसमें उनको और होल बिल्डिंग आने की संभावना है नीचे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।